नमस्कार, द लीडर हिंदी के बरेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। बरेली से मुंबई के लिए 9 दिन नहीं मिलेगी फ्लाइट, कोरोना के कारण इंडिगो ने रद्द की उड़ाने। कोरोना संक्रमण का असर अब हवाई यात्राओं पर भी दिखाई देने लगा है। मुंबई से आने वाले फ्लाइट को इंडिगो ने माह में 9 दिन के लिए रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि बरेली एयरपोर्ट पर मुंबई से फ्लाइट दोपहर करीब 12:15 बजे पहुंचती है, फिर यहां से दोपहर 12:15 बजे वे वापस मुंबई के लिए जाती है। बाकी दिल्ली और बेंगलुरु की फ्लाइटें अभी वैसी ही रहेंगी, वह पूर्व की तरह चलती रहेंगी। एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार मुंबई से आने वाली फ्लाइट 12, 14, 15, 18, 19, 21, 25 और 28 जनवरी को रद्द रहेगी। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने भाजपा कार्यकर्ताओं को दिए जीत के मंत्र। यूपी में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक बुधवार को बरेली पहुंचे। उन्होंने भाजपा कार्यालय में शहर और कैंट विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक करी। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं को उन्होंने जीत के मंत्र दिए। आइए आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी बरेली की एक महत्वपूर्ण बैठक है और इसमें कैंट और शहर विधानसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं से हम आगामी चुनाव के संबंध में विचार विमर्श करेंगे और रूपरेखा तय करेंगे कैसे हम लोग घरों में जाकर के जो कोविड के नियम हैं उनके तहत 5-5 लोगों को जत्थों के साथ हमें प्रचार किस प्रकार करना है, वो टीमों का गठन होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने जो भी दिशा निर्देश दिए हैं उसका हम अक्षरशः अनुपालन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 वर्ष जनता के बीच में रह करके अपने कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किए हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है, वर्चुअली भी हम तैयार हैं और जो भी कोविड गाइडलाइन है उसका अनुपालन। कोरोना संक्रमण की समीक्षा के लिए बरेली पहुंचे मुख्य सचिव नवनीत सहगल। कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा करने के लिए अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल बुधवार को बरेली पहुंचे। वह 3 दिनों तक बरेली में प्रवास के दौरान आकस्मिक निरीक्षण भी करेंगे। बरेली में कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है, रोजाना करीब 200 केस नए मिल रहे हैं। ऐसे में नवनीत सहगल 15 जनवरी तक सर्किट हाउस में कोविड की अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे। वे स्वास्थ्य केंद्र, सैंपलिंग सेंटर व टीकाकरण केंद्रों का औचक निरीक्षण भी कर सकते हैं। विवेकानंद जयंती पर पुरस्कृत हुए युवा। स्वामी विवेकानंद जयंती पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने IIMA सभागार में युवाओं को पुरस्कृत किया। परिषद की ओर से युवा सप्ताह के तहत दौड़, मेहंदी, समान ज्ञान और बैडमिंटन समेत तमाम प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी। इनमें विभिन्न कॉलेजों के विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया था। प्रतियोगिता में विजयी रहे युवाओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश सह कोषाध्यक्ष संजीव अग्रवाल समेत परिषद के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। बरेली पुलिस ने स्मैक तस्करों पर कार्रवाई के लिए उत्तराखंड पुलिस को दी ट्रेनिंग। स्मैक तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने वाली बरेली पुलिस अब गैर राज्यों की पुलिस को उन पर अंकुश का प्रभावी रास्ता बताने में जुट गई है। बुधवार को बरेली पुलिस ने उत्तराखंड पुलिस को इसकी ट्रेनिंग दी। पुलिस लाइन में हुई ट्रेनिंग में उत्तराखंड की STF समेत 13 जनपदों की पुलिस ने हिस्सा लिया है। इसमें पुलिस ने तस्करों के विरुद्ध NDPS एक्ट में की जाने वाली कार्रवाइयों के बारे में बताया। आइए आपको दिखाते हैं कि इस बारे में ADG बरेली ने क्या कहा। ये दिनांक 9 को NCB के अधिकारी, उत्तराखंड के अधिकारी और बरेली रेंज के ऑफिसर्स और कई विभागों के ऑफिसर्स के संग एक बैठक आयोजित की गई थी, जिस बैठक में उत्तराखंड के ऑफिसर्स के अनुरोध के क्रम में आज उत्तराखंड के ऑफिसर्स को जो एक्शन बरेली में लिया गया है NDPS के एक्ट के तहत, जो यहाँ ड्रग्स के कारोबार में लिप्त तस्कर या अन्य लोग थे जिनके विरुद्ध विभिन्न प्रकार की कार्रवाइयाँ की गईं, NDPS एक्ट में 14(1) गैंगस्टर एक्ट, सफ़ेमा पिट NDPS, इसके संबंध में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आज आयोजित किया गया है, जिसमें उत्तराखंड के ऑफिसर्स को NCB के अधिकारी, बरेली जिले के अधिकारी, SSP बरेली, SPRA बरेली, IOs और JD प्रोसिक्यूशन बरेली के द्वारा एक ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस प्रकार से हमारे को विधिक रूप से मजबूत कार्रवाई ड्रग्स में लिप्त लोगों के खिलाफ करनी है और किस प्रकार से हम उसमें उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा विधिक दंड डाल सकते हैं। फिलहाल बरेली की बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए द लीडर हिंदी। शुक्रिया।